हेलो व्यूअर, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ अपने ज़ू की, उसमें पहले मैं जंगल के राजा शेर के बारे में आपको दिखाऊंगा। इस मैं वैसे तो मैंने बहुत से बर्ड्स और मैमल्स कवर किए हैं, लेकिन सबसे पहले जंगल के राजा जो हमारा बंगाल टाइगर है उसको मैं कवर कर रहा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है हमारी फीमेल बंगाल टाइगर। आप जैसे ही नैनीताल जू में एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग में पहले फीजेंट्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, और जैसे ही आप पर फर्स्ट स्टेप आप लेंगे तो आपको जो बड़ा दिखाई देगा केस, जो सबसे बड़ा केस दिखाई देगा, वो दिखाई देगा हमारी बंगाल फीमेल बंगाल टाइगर का, जिसका इन्होंने नामांकन भी कर रखा है। उसे रानी के नाम से ये लोग जानते हैं, हम लोग सब लोग। ये बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत है। एक मेल जो बंगाल टाइगर है वो इसके ऊपर वाले बाड़े में, हम वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। ये देखिए क्या खूबसूरत चाल है इसकी। अगर आपने मेरा चैनल उत्तरांचल बर्ड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ये बेल आइकन है इसको आप ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए जैसा लिखा है, बंगाल टाइगर रानी। वाकई में ये रानी है, इसके लिए इन्होंने बैठने के लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा है। यह भी डबल बाड़ा है, यह भी अंदर वाले बाड़े के अंदर है। और अभी आप आगे वीडियो पूरे देखिए, ये बाहर भी निकल के आएगी, आपको मैं दिखाऊंगा पूरा वीडियो। आप इसलिए आप मेरी वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, इसके बाद मैं आपको मेल बंगाल टाइगर को के बाड़े के पास भी का भी वीडियो जो मैंने कवरेज की है उसमें आपको मैं दिखाऊंगा। और जो मेरे टीम मेंबर हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि एनिमल का कभी मूड नहीं होता, वो कभी छिपके बैठा रहता है। तो इसलिए हमने कई बहुत टाइम वेस्ट किया है इसको वीडियो को शूट करने में। ये देखिए अब ये आगे वाले बाड़े में आ रही है, और किस तरह से भाग के आएगी ये देखिए। और जो भी हमारे दर्शक थे वो सब डर गए इसको देखते हुए, लग रहा था कि कहीं भारी ना आ जाए हम लोगों के लिए। पिंजरे के अंदर देखते तो सही लगता है, लेकिन इंसान के अंदर डर तो होता ही है और डर होना भी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कलर है इसका, और वाकई में जो ऐसा हम टीवी में पिक्चर्स में देखते हैं वैसे ही होते भी हैं ये रियल में। तो अगर आपको बंगाल टाइगर देखना है बहुत ही करीब से तो आप नैनीताल जू एक बार ज़रूर आएँ और इसका नज़ारा आप ज़रूर लें। मेरी यही आपसे दरख्वास्त होगी। इसके अलावा मैंने और भी जितने भी यहाँ पे हैं, भालू है यहाँ पे, काकड़ है, ब्लू माउंटेन है, रेड पांडा है, सबको, ब्लू गोट है सॉरी, रेड पांडा है, सबको मैंने कवर किया है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं बर्ड्स में, भी बहुत चीज़ें हैं। सनकॉर्नियर है आपका, मकाओ है, ब्लू गोल्ड मकाओ है आपका, कॉकटेल्स हैं, रिंगनेक्स पैरट्स हैं, ईगल्स है, आउल्स है, सबको मैंने कवर किया है। और लेपर्ड भी है इसके बाद, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी एक जोड़े में है कम्बिनेशन में। तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको वो सब सीरीज़ बाई सीरीज़ दिखाता रहूँगा। और मैं वीडियो जैसे जैसे एडिट होती रहेगी, थोड़ा एडिटिंग में टाइम लगता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे समय तक इसे शूट करना पड़ता है, और हर चीज़ हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि फिर आप बोरिंग लगने लगेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे मेल। ये देखिए हमारे दोनों टीम मेंबर हैं उत्तरांचल बर्ड्स के। बारिश हल्की हल्की हो रही है, दोनों अपना छाता लेके चल रहे हैं और अभी पूरी तरह डट जाएंगे। इस समय शूटिंग मैं कर रहा था तो मैंने इन दोनों को फ्री कर दिया। अब हम चल रहे हैं अपने मेल बंगाल टाइगर के पास। चलिए हम अब दिखाते हैं। ये देखिए ये दूसरा वाला ऊंचा बाड़ा जो है वो मेल बंगाल टाइगर है। नॉर्मल क्या होता है, चिड़ियाघरों में एक नॉर्मल ग्राउंड होता है, उसी में सब केजेस बने रहते हैं, लेकिन नैनीताल में ऐसा नहीं है क्योंकि हिली एरिया है। तो यहाँ पर जो भी है स्टेप बाई स्टेप, थोड़ी हिम्मत और ताकत आपको ज़रूर चाहिए आपको अगर पूरे नज़ारे लेने हैं। ये देखिए ये है मेल बंगाल टाइगर। इसका साइज़ नियर अबाउट फीमेल के डेढ़ गुना है, और बहुत ही भयंकर नज़र आ रहा है ये। थोड़ा बहुत ज़्यादा दूरी पे है और ये आ नहीं रहा है आगे, तो इसलिए इसमें हिदायत भी लिखी गई है, आप बिल्कुल भी इसे छेड़े छाड़े ना ही कुछ खाने के लिए फेंकें। और यहाँ के मैनेजमेंट में इसके लिए पनिशमेंट के तौर पर 2000 रुपये का फ़ाइन भी रखा है, तो इसलिए आप बिल्कुल भूल के भी, गलती से भी कुछ भी ले कर ना जाए इनके खाने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल उत्तरांचल बर्ड्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे चैनल उत्तरांचल बर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो, क्योंकि मेरी अभी सीरीज चलेगी कम से कम 10-15 वीडियो नैनीताल ज़ू के ऊपर ही रहेगी, हो सकेगा मैं बीच में और भी वीडियोस बना के डालूं, या फिर अगर आपको कोई मेरे को सजेशन देना है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक के ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, क्योंकि नॉर्मल ओवरव्यू वीडियोज़ तो कई हैं यूट्यूब में, लेकिन आप एक एक बर्ड्स एक एक एनिमल के ऊपर डिटेल में, इसको जो अंगीकृत कर रहे उत्तराखंड वन विकास निगम है, अंगीकृत बोले तो इनका जो खाने का जो खर्चा है वो वन विकास निगम पूरा बेयर कर रहा है। अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे सजेशन दें। थैंक यू।